Today's session was based on synthesizers, what to use, when to use, how to use, with a DAW, without a DAW, what makes life easier when you're sitting at the console, a little bit of effects, a lot of programming, and in the time to come we'll be moving ahead to get with more serious synthesizers, more intricate stuff when you're programming. सेंट्रिक सर ने बहुत अच्छे तरीके से तीन कीबोर्ड्स के बारे में हमें जानकारी दी, जो है अरेंजर, सिंथेसाइजर और मिडी। तो मुझे इस वर्कशॉप से ये पता चला कि अरेंजर कीबोर्ड जो है वो सोलो आर्टिस्ट के लिए बना है, मतलब वो अच्छा है क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट सब अरेंज कर सकते हैं और सोलो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सिंथेसाइजर जो है वो भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए है, पर ग्रुप में वो बहुत बढ़िया है, बैंड में काम करने के लिए बढ़िया है। और जो मिडी है वो टोटली प्रोग्रामिंग के लिए। We also spoke about the old synthesizers. We had something like the Yamaha Reface, which went back 50 years. We found that those sounds sometimes were better than what we do today. We went through what is a complete production suite with the Yamaha MX. बेसिकली मेरे को सेशन से पहले मैम ये नहीं पता था कि मिडी एंड सिंथेसाइजर में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। तो सिंथेसाइजर में हम लोग लाइव परफॉर्मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग मिडी में हम लोग लिमिटेड होते हैं क्योंकि उसके खुद के साउंड्स नहीं होते हैं, मिडी कंट्रोलर जो हम लोग यूज़ करते हैं। एंड सिंथेसाइजर में उसके खुद के साउंड्स होते हैं, उसकी खुद की साउंड लाइब्रेरी होती है, हम उसमें और साउंड्स ऐड कर सकते हैं। तो आज सेंट्रिक सर ने जो सेशन लिया था यामाहा का, उसमें हमें बहुत कुछ पता चला एंड मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन हुई है।